हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं IQ Z7 के बारे में, जो कि IQ Z6 का बड़ा भाई है फ्रेंड्स। और यहां पर आपको देखने को मिलता है कुछ अपग्रेड। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर आपको कैसा अपग्रेड देखने को मिलता है IQ Z6 से। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको पीछे डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। मेन कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का OIS के साथ देखने को मिलता है, यानी कि आप अगर वीडियो वगैरह बनाते हो तो आपका वीडियो सेक नहीं होगा। और जो दूसरा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। और फ्रेंड्स, आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 4500 एमएएच की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 44 वाट के फ्लैश चार्जर के साथ आती है, जो कि वीवो का चार्जर है, जो कि आपको बॉक्स में देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही हम लोग प्रोसेसर की बात करें तो डायमेंसिटी का 920 प्रोसेसर देखने को मिलता है। उसके साथ ही ये प्रोसेसर 6nm बेस्ड प्रोसेसर है, तो यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा खासा गेमिंग भी हो जाएगा और बैटरी बैकअप भी अच्छा होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर गेमिंग अच्छा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आपको 5 लाख तक का Antutu बेंचमार्क देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग करने के लिए अच्छा होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसके ऊपर में आपको नॉइज कैंसिलेशन माइक देखने को मिल जाएगा, उसी के बगल में आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाएगा, जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है फ्रेंड्स, जो कि आप 2 सिम कार्ड एक टाइम पे डाल सकते हो या 1 सिम कार्ड या 1 SD कार्ड डाल सकते हो। यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, मोनो स्पीकर देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा लाउड है फ्रेंड्स। उसके साथ ही आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा और माइक्रोफोन ग्रिल देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर सभी तरह के कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिल जाता है और वाईफाई 6 देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको सभी तरह के मतलब सेंसर को देखने को मिल जाता है। और उसके साथ ही ये फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। तो फ्रेंड्स, ये पहला ऐसा फोन होगा जो कि 5G होने के साथ साथ आपको अंडर 20,000 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बात करें एंड्रॉयड अपडेट की तो 2 साल का आपको मेजर अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही 3 साल का आपका सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 पे आता है। और ये फोन बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, यानी कि ये आपको 175 ग्राम का देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ ही ये बहुत ही ज्यादा स्लिम है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर आपको 7.8 mm का थिकनेस देखने को मिल जाता है। और उसके साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको IP रेटिंग का भी सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है, जो कि IP54 है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को